अपना गैंग कैसे हो यार। तो मैं हूँ आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर जिसको कोई नहीं जानता। तो पांडा गैंग आज हम आए हैं चिल बार पर बोबा टी ट्राई करने के लिए, बोबा मिल्क टी। तो आज ट्राई करके देखते हैं यार ये कैसी है, पर इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर अच्छी होगी तो बताऊँगा, नहीं होगी अच्छी तो भी बताऊँगा। ठीक है ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं ये कैसी है। भाई अब हम ट्राई करने लगे हैं ये बोबा टी। यार ये दिखाना, ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है बकरे के छोले हो यार। भाई मैंने सोच लिया कि अब हम करने लगे अपना नया बिजनेस, एक बकरी लेंगे उसको रोज 100 रुपए का घास खिलाएंगे, वो दूध भी देगी और ये छोले भी उतारेगी और हम 700 का ग्लास बेचेंगे। कैसा लगा बोबा टी, मजे की है? बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया, रोटी खा रहा है, ये रोटी खा रहा है ना इसलिए ये गूंगा हो गया है। अब बता अगली दफा कब पिएगा बोबा टी? यही 2-3 दिन तो दोबारा पिएगा यार, बाकी मजे की थी। जब हमने उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग करवाई है ना स्ट्रॉबेरी की, यार वो तो क्लास हो गई थी। तो यार मैं आउट हो गया था, इसने ना मुझे बॉल कराई है, मुझे डर लग रहा था कि अगर मुझे लग ना जाए, मुझे लगती थी और ना तो ना मुझे लग गई, मुझे लगने वाली थी। मैं ज़रा मैंने अपनी टांगे ज़रा पीछे की और वो जाके विकेट में लग गया। अब इसकी बारी आ गई, अब ये खेल रहा है। भाई आराम से खेलना, ऐसे पता चले आप किसी का सर फाड़ दो। भाई ये हार्ड बॉल है तो ये लिहाज करना है, वरना तो भाई अगर टेनिस बॉल हो ना ये ऐसे मारते हैं ना छक्के चौके, फिर मैं खड़ा रहता हूँ। भाई इतने जोर से खेल रहा, मुझे ना लग जाए। नहीं लगती, बेफिक्र है, ये बच्चों के बस की बात थोड़ी होती है, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। मुझे इस टाइम इतना पसीना आया हो ना, मुझे ना डर लग रहा है कि मुझे ना लग जाए, मुझे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पसीना आया हुआ। किसी दिन भाई ये स्पोर्ट्स ग्राउंड चले ना, फिर मैं इसे अपनी फास्ट बॉलिंग की पावर दिखाऊंगा। मैं बनूंगा नसीम शाह और इसे फर्स्ट बॉल पे आउट करूंगा। कराएंगे हॉट बॉल से बॉल। ये ये बहुत ज़्यादा हार्ड बॉल है, ये बैटिंग आ गई है अबूबकर की। ये सामने बैटिंग कर रहा है अबूबकर हार्ड बॉल से और बॉलिंग करवा रही है मुस्फिरा। चल भाई चल मुस्फिरा, बॉलिंग करवा इसको, पहले सही से खेलना तो सीख ले। क्या कह रही हो, नहीं खेलना आता ना इसको रुक जा मुस्फिरा, मुझे दिखा मैं इसको बॉल करा, इधर दिखा, आ जा चल मुस्फिरा। अब मुस्फिरा तुझे करवाएगी बॉल, चल मुस्फिरा इसको बॉल करा। हम क्रिकेट खेल के हो गए हैं फ्री। असल में अब ये रो रहा है कि इसको लगी है असल में हार्ड बॉल, इसको ना लगी हुई यहाँ पर है, ये इस जगह पर लगी है इसको हार्ड बॉल और बड़ी जोर की लगी है और अब ये रो रहा है। यार बस कर दे, अब ड्रामा इतने ना किया, अगर समझ आ रही है यार ड्रामा दिखा रहा, बड़े जोर से लगी।
कितने जोर की लगी हुई यार, लगती रहती है। अभी ख्वाब ये देखता विराट कोहली बनने के और रोहित शर्मा बनने का और अपने कहते हैं अब्दुल्ला शफीक बनने के, बड़े बड़े छक्के मारो, हार्ड बॉल मुझे किट ले दो, लेकिन छोटी सी बॉल लगी और ये रोने लग गया है। भाई इतने जोर से लगी है ना, अगर किट होती फिर भी कोई बात थी। तो किट ले देते हैं तो ये चलो ले दो फिर, देखो मैं भाई पाकिस्तान की टीम में जाऊंगा उनसे तो 100 गुना अच्छा मैं अभी भी खेल लेता हूँ। इसको इसको बॉल लगी है, इसका दिमाग भी हिल गया बॉल के लगने के साथ साथ, टांग पे लगी है बॉल लेकिन इसका साथ साथ दिमाग हिल गया। हमने मुशफिरा को भी कहा कि मस्जिद क्रिकेट खेले, लेकिन उसने सिर्फ बॉलिंग कराई है, उसने खेली नहीं क्योंकि उसको डर लग रहा था कि हार्ड बॉल है ज़्यादा जोर से ना लग जाए। हाँ हमने भी नया काम किया कि हार्ड बॉल से खेले हैं, वो भी घर में, अगर कोई चीज़ टूट जाती कुछ भी टूट जाता तो आज हम दोनों का बिस्तर घर से बाहर होता और बड़ी गालियाँ पड़नी थी। ऐसे ही है ना, इज्जत नहीं है घर में, है ना। छोड़ जा यार घर, छोड़ जा, चल छोड़ जा, चल चल घर छोड़, निकल निकल, इसको टांग मार के निकालते हैं, निकल निकल। भाई एक दिन ना मैं क्रिकेटर बनूंगा और बुमराह को ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा उसके सर वाली मार्ग से निकाल दूंगा। चल फिलहाल तू निकल यहाँ, चल चल निकल निकल जा यहाँ से। नहीं यार इसको तो मैंने निकाल दिया है, इसको जल्द हम घर से भी निकाल देंगे अब, ठीक है। अगले ब्लॉग में आपको मिलेंगे। हाँ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमने बोबा टी ट्राई की है यार, वो बड़े मज़े की थी, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी वाली ट्रॉपिंग थी ना वो बहुत ही मज़े की थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हम अब ये बकरी ले रहे हैं 15,000 ये देगा, 15,000 मैं दूंगा, उस बकरी को रोज 600 रुपये का हम घास खिलाएंगे, और वो कम अज़ कम भी अगर उसको रोज़ का 600 का घास भी खिलाए ना तो हमें कम अज़ कम रोज़ का 3-4 हज़ार तो बचत करवा ही देगी यार। अगर 600 का घास खाएगी तो हम 700 का एक गिलास बेचेंगे, अगर रोज के 3-4 गिलास ही बेचें हम 4-5 हज़ार आराम से कमा लेंगे। उसके बाद मान लूंगा 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स लेगा, इसकी दो आंख ये एक आंख अपनी माथे पे लगा ले खुद 15 प्रो मैक्स बन जाएगा। ठीक है यार अब आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़ बाय।